सीरियसली मुझे तो बहुत प्यारा लगा। खमंगड़ी सा, तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि पीछे आप देख सकते हो, ये लड़की भटक रही है, इसको तो जानते ही होंगे आप, सुरभि राठौड़। कहाँ गई? कोल्ड ड्रिंक पी रही है। और बताओ, स्टील के गिलास में, इसको कौन समझाए, ये पॉइजन बन जाएगा इसका। पता? हाँ, कांच में पीना चाहिए। नींबू पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हुआ, ये सारी चीजें कांच की जो गिलास होती है ना, उसमें पीना चाहिए। तो फाइनली हम सब निकल चुके हैं और घर पे तो कीशा ने मुझे बात करने नहीं दिया आप सबसे। तो कहाँ जा रहे हैं हम? जा रहे हैं सीता वाली फाटक, और वहाँ पे कोई रानी बाग नाम से एक क्या है, वो होटल है क्या है, अच्छा गार्डन है। तो गार्डन है, वहाँ पे हमारा 20 का इवेंट होने जा रहा है, जिसे ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं हमारे पूजा भाईसा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो 5 दिन बचे हैं, आप भी पासेस बुक करवा सकते हो। मैं पूजा भाईसा के ना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और पूजा भाईसा से मिलवाती भी हूँ, और कौन कौन गेस्ट आने वाला है ये सारी चीज़ें मैं आपको कहाँ, अब अभी अपन कहाँ जा रहे हैं, द रॉयल बाग, रॉयल पैलेस जा रहे हैं। तो वहाँ जाने के बाद में मैं आप सबको दिखाती हूँ कि गेस्ट में कौन कौन आने वाला है, और अभी पोस्टल लॉन्च में कौन कौन आया है। तो मिलते हैं आपको सीधा द रॉयल पैलेस। चेप हो गया, मेरी वाली सही है, देख ले आगे आगे घूम रही है। तो हमारी डेस्टिनेशन आ चुकी है द रॉयल पैलेस, और यहीं पे हमारा इवेंट होने वाला है। चले अंदर, रानी बाग वाले का यही है। श्विनी, हाथ पकड़ लो जीजा का। आज ये है ना, 3 दिन से ये सेम फ्रॉक पहन रही है, बहुत खतरनाक पसंद आ गई इसको तो। सेम टू सेम यही ड्रेस पहन के आया था। ये दोनों देखो, अगर ये एक जगह हो जाए ना दोनों इवेंट वाले दिन, तो अपन को जीने ही नहीं दे। मैं तो आज आज लेके आई हूँ, वो भी मेरे पीछे हो गई। हाँ, अब बनाती हूँ व्लॉग, है ना। ये हमारे द बाजूबंद के ओनर, अगर आपको है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर भी डाल दूंगी। ये प्रमोशन की तैयारी चल रही है, जिधर देखो ब्लॉगर स्टार्ट। बड़ा शानदार। दूंगी नहीं मैं, अपने अपना पास जल्दी से ले लें। देगी नहीं? नहीं तो क्या होगा, मैं दूंगी नहीं। चलो मैं आप सबको इवेंट के बारे में बता देती हूँ। तो इवेंट का नाम है तीज उत्सव, ऑर्गेनाइजर है हमारे पूजा राठौड़, पूजा भाईसा, और इनकी इंस्टाग्राम आईडी है मिस राठौड़ के नाम से, तो आप सर्च कर लेना। अगर आपको पासेस वगैरह बुक करवाने हैं तो यहाँ पे आप करवा सकते हो। और 11 बजे से स्टार्ट है, और आप देख सकते हो 20 अगस्त का है, तो अभी टाइम अपने पास बहुत ही कम है, तो जल्दी से जल्दी पासेस बुक कराएँ। और डेस्टिनेशन है हमारी रानी बाग, जो कि हमारे सीता वाली फाटक पर है। ये नंबर भी मैं आपको दे देती हूँ, नंबर पे आप अपना है ना पासेस वगैरह बुक करवा सकते हो, ठीक है। चलो अब इंजॉय करते हैं हम भी सबके साथ। ये गिरा देगी, ऐसा पिलाएगी, ये नहला। ये है चटनी, सही बताओ। वो ज़्यादा टेस्टी है। वैसे मैं डाइटिंग पे हूँ, पर फिर भी जरूरत तो नहीं लगती। नहीं नहीं, अभी इतनी तो कम किया है मैंने। अच्छा, आपसे मोटी हूँ मैं पहले। कितना मेरा वेट, आपका कितना है यार? अभी मत पूछो कितना, फिर भी फिर भी कितना है यार प्लीज। अच्छा तो ये बताना नहीं चाहते बाद में। हाँ, तो मेरा वेट ना लास्ट टाइम था 75, मुझे नहीं लगता आपका 75 है। नहीं फिलहाल तो नहीं है ना, वही तो बोल रही हूँ मैं, 75 से अब 2 महीने में नीचे आई।
साथ, जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, तीज उत्सव होने वाला है हमारे जयपुर में, जिसे ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं हमारे पूजा भाई साहब। कॉन्टेक्ट नंबर सारे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। भाई अच्छा आपका इवेंट हो, मैं भी निकलती हूँ। सबको आना है, आना है, पधारना है आप सबको, मजे भी करेंगे हम। सुरभी 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 को बहुत निकालना पड़ता है। सुरभी ओ माय गॉड, इसको देखो, मोनिका को बाय बाय। चल सुरभा तुझे पकड़ के लेके जाना पड़ेगा मुझे। चलो मैं भी चल रही हूँ, मुझे भी ले चलो। चलो चाबी तो दे, चाबी तो है हमारे पास, ये रही। यस हाँ साई यही है। तो चलो निकलते हैं अब घर के लिए, ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया हमने, आधा एक घंटा ही था ना। चलो जो टाइम लगा दिया वो मैंने ही जो टाइम लगा दिया वो अलग है ना। तो आप कितने बजे आए थे फिर आप कितने बजे आए थे, चलो व्लॉग व्लॉग में बताओ। आए थे 2:30 बजे और मैं आई थी 4 बजे। ओ 4:30 हो रही थी, 4 हो रही थी यार, 4:30 फिर भी यार इतनी शाम, 4:30 से 4। अरे आप तो ऑर्गेनाइजर भाई साहब हो तो आपको तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल चलो ठीक है, मिलते हैं आपको सीधा घर। यहाँ बैठ जाओ दोनों बच्चे, आराम से बैठो, फिर अपन घर पे भी चल रहे। क्या हुआ, खोलो क्या, खोलू चॉकलेट, खोलू है। हेलो यशविनी, जेम्स किसने ली, इसकी किसने ली जेम्स, इसके अंदर नहीं है जेम्स। पापा डटेंगे यशविनी, ये हमारी आ गई यशविनी। क्या कीशा के पापा ने है ना गाड़ी में से जेम्स दी थी इसको स्कूल जाने से पहले, और अब ये जेम्स जेम्स कर रही है। कहाँ है जेम्स? कीशा आपके लिए कितने कमेंट आते हैं कि कीशा कितनी अच्छी है, हम सब कीशा के लिए देखते हैं, पर कीशा तो इतनी बदमाश है, जेम्स के लिए रोती है। अच्छा ठीक है देखते हैं देखते हैं, अपन ढूंढेंगे अपन जेम्स, कहाँ है जेम्स, किसमें है। हाँ मम हो गया, बस इतनी है, एक ही है यशविनी इसमें तो, वन ओनली। अब थैंक यू बोलो मेरे को। किशा सब फ्रेंड्स को भी बोलो हाय। आप सब कैसे हो? किशा को मैंने जेम्स दे दी, इतनी रोई है किशा जेम्स के लिए, और आप सबने देख ही लिया होगा मैं नहा चुकी हूँ। फटाफट से मम्मा के पास चलेंगे अपन, इसको खोलना है, देखना इसको खोलना है, इसको है ना जेम्स के सारे कलर पता है आप सबको। इसमें से मुझे कौन सा कलर दोगे? मुझे ये पिंक चाहिए। ये लो एक मुझे दे दो, देखते हैं कौन सा कलर देती है। एक मेरे को दो यशविनी, पता है यशविनी के लिए इतने कमेंट आते हैं कि आप है ना अपने बेबी को ज़्यादा दिखाया करो, क्योंकि हमारे बच्चे है ना कीशा को ही देखते हैं, तो उस चक्कर में ये कौन सा कलर दिया मुझे, देख तो पूछते हैं कीशा को कौन सा कलर है ये। ग्रीन कलर। चलो अब ऊपर चलते हैं पापा के पास, आप खा लो। तो मैं मम्मा के साथ चूड़ा लेके आई थी ना वो वाला, आज मैं पहनने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरी सासू माँ है ना उनको ऐसे लग रहा है कि ये वाला चूड़ा अच्छा नहीं है, तो देख सकते हो मुझे तो बहुत ही सीरियसली बहुत प्यारा लगा, क्योंकि मैरून कलर क्या होता है मतलब मिलता नहीं है इजिली, तो आज मुझे तो मेरी शादी के 8 साल हो गए, 8 साल बाद में आज ही मैरून कलर मिला है, तो मैंने सोचा मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था, फिर मैं आज ही पहनूंगी। और आज मैंने ये वाला सूट भी वेयर किया, आप दिखाओ सबको, इलायची कलर में। अच्छा इसको पहले नहीं खोलूंगी, क्योंकि इसका क्या ये तार सा क्या आता है ये खोलना पड़ेगा, और जो मेरी मम्मी है ना चिराना वाली मम्मी, वो ऐसे बोलते हैं कि चूड़ा अगर अपन चेंज करें ना तो ओढ़नी है ना अपने सर पे होनी चाहिए, एक सेकेंड, ऐसे सर पे होनी चाहिए चूड़ा चेंज करें तब, और ये है ना पल्लू इसके अंदर होना चाहिए ऐसे, मतलब किसी को दिखाना नहीं चाहिए अपना हाथ, तो इस चक्कर में मैं इसको ऐसे पहनूंगी, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत चूड़ी अंदर चली जाती है ना फिर आप दिखा सकते हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आगे वाली चूड़ी नहीं आएगी मेरे, छोटी है, फिर भी मैं फंसा लूँ क्या, फिर निकलेगी नहीं क्या पता। चलो तो मैंने फिर भी फंसा ली, और मैं आज आपको कैसी लगी इसको तो हटा देती हूँ, टिक्की वगैरह लगानी है अभी मुझे, लिपस्टिक वगैरह लगानी है, ये सारी चीज़ें अभी बाकी है मेरी, पर मैंने चूड़ा आप सबके सामने पहना है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना।
मतलब मैरून कलर मेरा फेवरेट है, मेरे को है ना मैरून कलर में ना जोड़ भी पसंद होता है, पर मेरे को कभी मैरून मिला ही नहीं। चूड़ा फाइनली मैं हो चुकी हूँ, चूड़ा भी मैंने पहन लिया है। अब मैं उस वाले घर पे जाऊंगी और वहां पे हम बहुत मस्ती करेंगे। ज्योति भाई सभी है, मम्मी भी है, आप सबको पता ही है उस वाले घर पे। तो चलो चलते हैं। कीशा हमारी आ चुकी है और ऋषभ को मैं कॉल कर दूंगी क्योंकि अच्छा 1 बज गई तो 2 बजे ऋषभ आएगा। तो या तो मैं ऋषभ के आने से पहले इस वाले घर पे आ जाऊंगी, अगर नहीं आ पाई तो कैब वाले भैया को कॉल कर दूंगी कि भैया आप है ना इस वाले घर पे छोड़ दो, क्योंकि मैं उसको बोलती हूँ पुराने वाले घर पे छोड़ दो, इसको बोलती हूँ नए वाले घर पे छोड़ दो, ऐसा है सीन। चलो ठीक है चलते हैं। अब समझाओ तो आज चौथा दिन नहीं फिरोग ने लिया फिरता। इस वाले घर पे मैं पहुंच चुकी हूँ और ज्योति भाईसा और मम्मा को पापा को सबको खीर 1 नंबर लगी है। अब ऐसे पापा से तो रिव्यू नहीं ले सकते अपन, सॉरी अभी तो चाय चली जाती, तो पापा से तो रिव्यू नहीं ले सकती मी। और जो भाईसा हुकुम है उनसे पूछते हैं अपन कि उनको खीर कैसी लगी। बस मैं फटाफट से ये चाय बना देती हूँ फिर मिलाती हूँ आपको दोनों से। ज्योति भाईसा बेबी को क्या करवा रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं क्योंकि नहला के लेके आए हैं। और मम्मा हुकुम हमारे पूरे दिन व्लॉग देखते रहते हैं, पूरे दिन पता नहीं क्या ही मम्मी के तो मजे हो गए। मम्मी तो एक तरह का पिकनिक ही बना रहे हैं मम्मी अब यार दोनों। 1-1.5 महीना मम्मी को पिकनिक चल रहे हैं। हाँ इतना व्लॉग देखे है मम्मी पूछो मत, सब का कोई ना भी कौन छोटा है मम्मी तो। चलो चाय वगैरह सर्व करते हैं, गैस बंद हो गया पता नहीं क्यों। यार चूड़ा अच्छा लग रहा ना, थो नचने लग जाए। मम्मी ने बोला है कि इस पे काली डोरी वो जो होती है ना वो लगा लेना। सीरियसली मुझे तो बहुत प्यारा लगा और बजट भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, 380 रुपये ओनली। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो मैं लेके आई थी रावण गेट सिंगार परिधान ऐसा कुछ नाम था। तो चलो आप चाय छान लेते हैं, हो गई। बहुत पैसे चाहिए तुझे? पैसे हैं थोड़े से ऐसे 50-60। तो मेरा पोता इतना ईमानदार है, वहाँ पड़ा था ऐसे निकाल के जा सकता था ही। लेकिन आपसे इसको पता है सामने लेके आया, कितना लेगा? कितना? बस 20। लेकिन मेरे को ला के दिया और ले मार, इतना ईमानदार है मेरा पोता। अच्छा ऋषभ मेरे लिए भी लाना कुछ टेढ़े मेढ़े, आज टेढ़े मेढ़े खाने की इच्छा हो रही है। बड़ा पैकेट लाया करे। तो चलो गाइस अब थोड़ी देर आराम करेंगे, नींद लेंगे और मम्मी से थोड़ी सी बातें करेंगे। आपको देना है ये लो। अच्छा ऐसे रानी वानी सब सो गए हम तो। रानी वानी सब सोएगी अब। रानी करमती सब सोती मम्मी। एक ना मेरे पास ना कमेंट आया था कि मैं काली पाड़ी से हूँ। हाँ, काफी सारे लोग बोलते हैं। और मम्मी ना बात सुनता नहीं है, मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आ जाए। पीर की सुना ने कि मेरे पीर के लोग देखते हैं। पीर का तो कागला ही चोखा लगा, पीर का तो रूखड़ा ही चोखा है। शिराना जाने की तो इच्छा है भाई काफी दिन। जाने कौन दे, रक्षाबंधन को चले जाए। ये आदमी है ना, ये जाने मिलते दोनों मार बेटा। जाएंगे आज तो मैं सुबह पहले निकल रही ही। गाइस आपको भी बताती हूँ, आज सुबह पहले निकल रही, पैकिंग कर ली, नाली धोली। गाइस आज मेरी बहू थोड़ी सी मेरी बेटे से गुस्सा हो तो बोलेगी चिराने जाएंगी ऐसे करेगी। क्या बोलोगी? चिराने जाएंगी मैं तो। एक मैं पैकिंग चिराने चल जाऊंगी मैं। हाँ मैं सुबह पहले मागी को बताऊँ की बात पर हुई, कोई वीडियो डाल दियो जने कि मेरे ओई है क्यों डाले और बबी है क्यों डाले। हाँ डिलीट करो, जब मैं पोर्चो लगाती मैं कि डिलीट तो कर दूंगी पर मैं चिराना चाहूंगी। और मैं कि काल का ब्लॉग में मैं 5 दिन बोली ना
पांच महीना जाऊंगी फोन भी कौन करूं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो तब फिर लगाएगी पिया मिलन की रात आई, ऐसे ऐसे गाने लगाएगी। अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस मैं सोच रही हूँ आज का व्लॉग काफी बड़ा हो चुका है, आई होप आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय, गुड नाइट गाइस। कर लिया गरम बना, गुड नाइट कर दो आप। हेलो गाइस गुड नाइट। रात एक दिन है माना यही को निबेरो एदो पानी में बैठी है पर बता दे रात कर दे दिन। सही कह रहे हैं मम्मी, मतलब ये कह रहा गुड मॉर्निंग की मेरी आदत पड़ गई, वो चाहे 12 बजे चाहे 11 बजे कुछ भी पढ़ो क्योंकि मन तो आज़े, आज़े, और इन, इनको पता है इनको क्या बोलते हैं, ऋषभ के पापा हमेशा बोलते हैं हेलो गाइस गुड इवनिंग, क्योंकि इनको गुड इवनिंग की आदत है, क्योंकि इनका क्या इवनिंग में व्लॉग आता है, अगर आप सब नहीं देखते हैं तो वो भी देखना प्लीज जाके। और इनको इवनिंग की आदत पड़ गई है, मुझे मॉर्निंग गुड नाइट बोल रहे हैं। अब मैं क्या आप सबको बोल रही हूँ गुड नाइट, तो मम्मी बोल रही है कि केवे जिए के दिया मानते हैं कौन मेरा कद गुड नाइट हो और कद गुड मॉर्निंग हो मानते तो फरी मैं कह देगा गुड नाइट।